अब हम निकल रहे हैं और मैं हूँ थोड़ी सी उदास है, थोड़ी नहीं एक्चुअली ज़्यादा उदास है। इसको हमारा मैश से मिलने का बहुत दिन से मन था और हम लोग वन एंड हाफ डे ही रुके, एक्चुअली वन एंड हाफ डे भी नहीं हुआ ये। कल पहुँचे थे 11 बजे है ना, और आज निकल रहे हैं अपन 2 बजे। तो हम तो कह रहे तू रुक जा, सब नहीं रुक सकते ना बेटा, सबके पास अपना अपना काम है, ठीक है। और मौसी मसाजी का भी ऑफिस है, तो फिर 3 बच्चे नहीं संभाल पाएंगे वो, एक दीदी परेशान हो जाएंगी 3 बच्चे संभालते संभालते। तो अभी तो हम निकल रहे हैं, अभी उन दोनों बच्चों को भेज दिया सोने, ठीक है, नहीं तो रो रो के बेहाल कर देते, वो हमारे लिए तो नहीं पर मीका के लिए तो पक्का। नहीं ये बनी है मेरी मेरी बेटी है ना, मायरा माशा से दूर जा रही है इसलिए उसको रोना आ रहा है। तो मेरी मीहू को अपना फेस नहीं दिखा रहा, वो बहुत शाय हो रही है अभी और उसको बहुत रोना आ रहा है। बाबू चलो कोई नहीं, मेरा हाय हाय मीहू चल वॉशरूम चला, चल बेटा ला मीका उठो बेटा रोना नहीं। करो दीदी को बोलो, दीदी रोना नहीं, वो बोल रही है उसको अभी थोड़ी देर बाद उनका चालू होगा। हाँ बेटा भूख लगी, चलो खाना खा ले, खा ले खाना, और खाना है ठीक। मतलब वाटर, अच्छा नाक में उंगली। ये 2 पनीर के टुकड़े दे दे नीलू, नीलू मीका भूख लगी इसको फिर से मैं खिला देती हूँ अपने हाथ से फटाफट। ये मेरा इमोशनल बच्चा है, इसका इमोशंस ही खत्म नहीं हो रहे। और ये देखो सामान उठा के रेडी, ये देखना अभी ये इनका होगा भी चालू, जाग आज जाग रहे हैं ये हमारे जाने से पहले। बाय बाय, आप मोसा जी को बाय कर रही है वहाँ। निकल लिए हम, और मेरा मीहू बच्चा बहुत इमोशनल हो गया था आज, और अभी भी गाड़ी में उन्हीं से कॉल कर रहा था, मैं कहा नहीं बेटा हाँ। तो अब देखते हैं रास्ते में हमें क्या क्या मिलता है। बापरे गॉड कैसा एक्सीडेंट हुआ है, 2 गाड़ियों का। हाँ एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई उनको, ठीक है, पर बहुत बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए एक्सप्रेस हाईवे पे। हमने आते हुए भी एक्सीडेंट देखा और अब जब जा रहे हैं तब भी हमने एक्सीडेंट देखा। हाँ मेरा बच्चा सो गया, कितनी तेज नींद आ रही थी इसको, थक गई वो एक्चुअली। हमें तो लगा कि तू सो रहा है, सो ही रही थी। अच्छा पानी दोगे क्या हमको? कहाँ गए पापा, क्या खाना है? उड़ती, अरे खाना स्नैक्स ही ले लेंगे ना।
बर्गर वर्गर थोड़ी ना खाना है। ये वाला अच्छा है, पता है ये वाला जो फूड कोर्ट है ये अच्छा है, साफ सुथरा भी है, और बाकी तो मुझे वो वाला तो नहीं था। हमको ऐसे भूख नहीं है तो हम सोच रहे हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, है ना भैया? आपको जूस पीना है क्या पीना है? क्या आपको कॉफ़ी पीनी है, जूस पीना है, क्या पीना है? पहले मेन्यू में देखेगी उसके बाद डिसाइड करेगी। मैंने तो कॉफ़ी ले ली है, ठीक है। हम मीका के लिए कुछ देखने जाते हैं तो क्या समझ में आता है। सब चेयर्स खाली हैं, किसी को बैठने नहीं देते ये लोग। ये भी लिया है इनकी कॉफ़ी, हमने आज फिल्टर कॉफ़ी ली है अभी, और अभी मीका ने कुछ नहीं लिया है। फाइनली मीका ने ये पेपर बोर्ड के जूस लिए हैं बस, और कुछ भी नहीं लिया। इनमें से कुछ ले लेते हैं हम, बहुत तेज़ भूख नहीं है, हल्की फुल्की है। मीका देख क्या कौन सा लेना है, ये वो वाला लेना है? हाँ ये ले लो एक, हाँ ये ले लो। फिर कौन सा लिया है? मम्मा ने ऑरेंज वाला, जो मम्मा का टेस्ट भी तो करेगी ना, ये करोगे ना? हम रुके थे फूड कोर्ट पे कि हमने सोचा कि कुछ खाएंगे हल्का फुल्का, पर हमको हल्का फुल्का कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पे, सब कुछ भारी भारी ही दिख रहा था, और अभी भारी खाने की हिम्मत नहीं है। बहुत खा के आए नीलू के घर से तो जूस जूस नहीं गिरा देना, बेड लगा ले। पेपर डोसा अच्छा होता है, हाँ ले ले। डोसा अगर सादा डोसा में चीज़ बोल दो। सादा डोसा विद चीज़, ठीक है? तीन पीस। अभी हम लोग रेस्टोरेंट से खाते हैं। एक ऑनियन। Bye bye, like, share and subscribe to the channel.